ये चुनाव अपने आप में देश और दुनिया को, पॉलिटिकल पंडितों को, कुछ लोगों की घिसी पिटी कैसेट है और वही दायरे में फिट कर करके एक परसेप्शन बनाने की कोशिश करते रहते हैं। और ये माना गया है कि पॉलिटिक्स इज अबाउट द परसेप्शन, ये माना गया है। लेकिन और हम वो लोग हैं जो हम जैसे हैं वैसे दुनिया हमें देख न ले, इसलिए 90% से अधिक ताकतें जो पिछले 50, 60, 70 साल में एस्टैब्लिश हो चुकी हैं, वे दो काम करती रहती हैं, किसी भी हालत में हमारे विषय में सही परसेप्शन न बने, किसी भी हालत में न बने। इसके लिए जो भी झूठ का सहारा लेना पड़े लेना पड़े। और दूसरा, एक है जैसे परसेप्शन सही न पहुंचे तो दूसरा है हो सके उतने तर्क कुतर्क करके परसेप्शन को बर्बाद किया जाए, बिगाड़ा जाए, एक ऐसा भयानक परसेप्शन बना दिया जाए कि लोग पास खड़े रहने से डर जाए। ये 70 साल तक चला है। पंडितों की ये थियरी होगी कि पॉलिटिक्स अबाउट द परसेप्शन, लेकिन उन पंडितों को दोबारा सोचना पड़ेगा कि दो चीजें ऐसी होती हैं जो परसेप्शन को तबाह करने की लाख कोशिश करने वालों को भी गंदा और बुरा परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करने वालों के लिए भी उसको परास्त करके आगे बढ़ने की ताकत होती है। और वो है, वो दो चीजें, एक है पारदर्शिता और दूसरा है परिश्रम। पारदर्शिता प्लस परिश्रम, लोग कितने ही अपनी ताकत लगा ले परसेप्शन बनाने की, उसको परास्त करने का सामर्थ्य रखती हैं। और आज हिंदुस्तान ने उसको स्वीकार किया है, उसने करके दिखाया है जी। और इसलिए हमारे लिए भी पारदर्शिता और परिश्रम का कोई अल्टरनेट नहीं है, क्योंकि हमें एस्टैब्लिश इस प्रकार की नेगेटिविटी के बीच पॉजिटिविटी को लेकर के जाना है और निरंतर जाना है, अविरत जाना है, क्योंकि देश उसी से आगे बढ़ने वाला है।